गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, तो आज हम चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट लाइक आज हम थोड़े कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? तो जैसे हमने कल अभी स्टडी किया, तो उस टाइम पर हमने देखा कि करंट जो होता है, करंट से रिलेटेड मैंने बताया था कि करंट I is equals to Q upon T, but I equals to N E upon T, right? Suppose मैं इन दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, उनके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो सपोज इफ 5 एम्पियर करंट flow through the wire for 2 seconds, then how many number of electrons will be there? तो हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज 5 एम्पियर करंट अगर हमारे पास में फ्लो हो रहा है किसी भी एक वायर में से। सपोज मैंने यहाँ पर एक वायर लिया, राइट? मैंने बोला ए हमारे पास एक वायर है और बी एक वायर है, ठीक है? ए बी में से हमारे पास जो करंट फ्लो होने वाला था, उस करंट की वैल्यू थी हमारे पास में 5 एम्पियर। अब मैं ए से बी के बीच की बात कर रहा हूँ, ए से बी के बीच में अगर वो करंट फ्लो हो रहा है, पर ए से बी के बीच में जब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो हो रही है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर ए से बी के बीच में फ्लो होते हुए उसे टाइम लगा, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ओके? नाउ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास में एक ही चीज़ काम आएगी, वो होगी आपके पास में चार्ज। सो आप इस क्वेश्चन को दोनों आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप चार्ज निकाल लीजिए और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, या सेकेंड आइडेंटिटी जिसमें आप डायरेक्टली आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलो हम दोनों के थ्रू देखते हैं। सपोज फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू अगर हम बात करें, सो यहाँ पर आपको गिवन है, गिवन आपको क्या है, यहाँ आपको बता रखा है करंट इक्वल्स टू 2 एम्पियर, राइट? करंट इक्वल्स टू 2 एम्पियर, तो ये हमारी वैल्यू होगी करंट की, आई की, और साथ ही साथ में हमें टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम दैट इज टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सॉरी करंट इज 5 एम्पियर, सॉरी फॉर दैट, करंट इज 5 एम्पियर एंड टाइम इज 2 सेकेंड। नाउ अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए, क्या हो जाएगा 5, sorry, Q आपके पास, आप जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा I into T, it means 5 into 2, that is equals to 10 coulomb, right? अब 10 coulomb चार्ज अगर आपके पास है, तो 10 coulomb चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जब Q दे रखा है, E की वैल्यू आपको पता है, क्या होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb, right? तो यहाँ आप n क्या कैलकुलेट करोगे, q अपॉन e, राइट? चार्ज अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹, यहाँ सॉल्व किया ये 0 बढ़ा है, यहाँ पर हमारे पास 16 डिवाइड दिया, दैट विल बी 6.25 × 10⁻¹, राइट? तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम ए टू बी विद इन 2 सेकेंड, राइट? तो एक बार देख लीजिए वापस से,
देख लिया, तो रफ करें इसे। चलिए ठीक है, इसके बाद में अब हम रफ करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, या इसी क्वेश्चन को एक और पैटर्न से जो मैंने बताया था डायरेक्टली आइडेंटिटी रख के सॉल्व करते हैं। जैसे लाइक मैंने बताया आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, यहाँ से आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्या हो जाएगा आई इंटू टी अपॉन टी, आई की वैल्यू दैट इज करेंट दैट इज 5 एम्पीयर इंटू टी इज 2 सेकेंड अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19, और इसको वापस से वही सॉल्व करेंगे 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19, और इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6.25 एंड दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 to the power 19। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गया 6.25 इंटू 10 to the power 19। अब ये एक क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन हो गए, आप एक बार इसे नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। ओके चलिए ठीक, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा और। नाउ अब हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर मैंने किसी चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके एक पॉइंट तक लेके आया तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे हम अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दैट दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि हम जब कोई भी चार्ज है हमारे पास, सपोज यहाँ क्यू चार्ज है, राइट, तो क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम एक इनफाइनाइट से एक फिक्स पॉइंट ए तक लेके आना चाहेंगे। हमारे पास क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज को हमने क्या किया, इसको लेके आ रहे हैं वहाँ से, खींच के लेके आ रहे हैं, जब खींच के लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत वर्क करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको खींच के लेके आएंगे यहाँ से एकदम धीरे से एकदम लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, यस और नो। सो जब वर्क करना पड़ेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये होगा वर्क, राइट, यहाँ से जस्ट अपोजिट अगेंस्ट, जस्ट लेके आ रहे हैं, खींच के लेके आ रहे हैं, खींच के लेके आ रहे हैं, तो कर लेके आए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा फॉर यूनिट चार्ज, फॉर यूनिट चार्ज, सो वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फिक्स्ड पॉइंट is called electric potential. Okay? So electric potential के according क्या होता है हमने कि the work done for carrying a unit positive charge from infinite to a fixed point, from infinite to a fixed point, that is called electric potential. So electric potential इसी तरह से हम define कर सकते हैं, right? अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे, इसका हम बात करेंगे, इसका सिंबल क्या होगा, सबसे पहले सिंबल क्या होगा, सिंबल इसके लिए यूज होगा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सिंबल क्या यूज होगा भी, साथ ही साथ में हम अगर इसके लिए बात करें एस आई यूनिट की, एस आई यूनिट जो हम इसमें यूज करेंगे That will be volt. That will be
वोल्ट। तो वोल्ट हमारे पास क्या होगा, ये ऐसा यूनिट होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो हमारे पास वी अगर सिंबल है तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, चलो हम इस डेफिनेशन के बारे में बात करें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल सी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क, और ये वर्क किसके लिए है, अभी मैंने बताया फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, यूनिट है यूनिट मतलब वन, तो वन यूनिट के लिए जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ चार्ज डिवाइड ले लीजिए। तो बेसिकली इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाएगी आपके पास में, पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो ये हमारे पास पॉइंट A के लिए है, यहाँ पर पॉइंट A है जिसके लिए हमने कैरी किया, इसको खींच कर गया और उसके बाद हमने वर्क किया, ये हो जाएगा वी ए, पोटेंशियल ऑफ A। ओके, पोटेंशियल ऑफ A क्या होगा, यहाँ वी ए से डिनोट करें क्योंकि A तक ही लेके आए ना, अगर B तक लेके आएंगे तो क्या होगा, वी बी, सी तक लेके आया तो वी सी, डी आया तो वी डी। आ गया समझ में, क्लियर? तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, आराम से लिख सकते हैं। देखिए आप इरेज कर दें, चलो ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसी की एक और बात की, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से डिफाइन करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में दो पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई एक पुटिंग कोई चार्ज को लाइक मैं यहाँ से लेके आऊँ, इनफाइनाइट से इसको लेके आऊँ, इनफाइनाइट यहाँ कुछ चार्ज है तो इसको मैं लेके आऊँ यहाँ पर, राइट? ठीक, यहाँ लाने में मेरे को कोई वर्क करना पड़ेगा, जब भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए अराइज होगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ एक चार्ज होगा प्लस की मॉल, इसको लेके आना पड़ा तो डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, और इसको लाने के बाद में जो हमारा पोटेंशियल बना तो वी बी बना, राइट? समझ में आया, मतलब यहाँ पर हमारे पास इंफिनिट पे एक पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज था क्यू प्लस क्यू चार्ज था, उसको लेके आया तो हमारे को जो वर्क करना पड़ा डब्ल्यू वर्क करना पड़ा बी ए हो गया, ठीक है। अब ये वर्क को डब्ल्यू ए बोल सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज यहाँ पर हमारे पास था वी बी ए, डब्ल्यू बी वर्क करना पड़ा जो वी बी पॉइंट तक लेके आने के लिए। अब अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक कैरी करके लेके जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस एरो के एरो में लेके जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ लेके जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्या यहाँ वर्क करना पड़ेगा, होगा? सोचो फिर से, यस और नो? हाँ एकदम सही, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से जब वर्क करना पड़ेगा तो वो जो वर्क होगा ए से बी के अलाउंड होगा, ए से बी के अलाउंड होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो हमने पूछा था, उनको तक पता किया था कि इंफिनिटी से फिक्स पॉइंट तक लेके आए तो वो हमारा हो गया पोटेंशियल ऑफ अ
पॉइंट, ओके। लेकिन अगर एक फिक्स पॉइंट है सर्किट में और दूसरा फिक्स पॉइंट और है सर्किट में और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो वहाँ होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा दबाव में यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू अनदर फिक्स पॉइंट सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए द वर्ब टर्म फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन वन फिक्स पॉइंट टू अनदर फिक्स पॉइंट इन अ सर्किट दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, वहां भी A, V, D एक पॉइंट के लिए था लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे V, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे डिफरेंस है तो ऑब्वियस है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मींस V B माइनस V A, या अब लिखते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल, राइट। नाउ VB, VB अगर यहां से कैलकुलेट करें तो क्या होगा WB अपॉन Q, VA क्या होगा माइनस WA अपॉन Q, सो दैट विल बी WB माइनस WA अपॉन Q, ऐसे मिलने यहां पर ही होगा हमारे पास B क्या निकलेगा That will be, मुझे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ B equals to WB minus WA upon Q, ये होगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस है तो डिफरेंस करने के बाद में जस्ट लाइक अगर मैं बात कर लूँ कोई भी दो यूनिट है दोनों यूनिट किलोग्राम में है तो किलोग्राम में से किलोग्राम को माइनस करोगे तो क्या आएगा सोचो भाई किलोग्राम के अलावा कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर भी इसका एसआई यूनिट क्या आएगा वोल्ट। तो हम एसआई यूनिट की अगर बात करें तो ये हमारे पास होगा वोल्ट, सिंबल की बात करें तो सिंबल हमारे पास होगा बी। चलो आज के लिए एक बार नोट कर लीजिए, कर लिया चलो ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास यही हुआ, लास्ट पॉइंट हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा द वर्क डन फॉर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू अनदर फिक्स पॉइंट विद इन अ सर्किट, सो दैट काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड मतलब दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज था मतलब वहाँ पर हमारे पास में जो भी चार्ज वर्क था वो एक चार्ज के लिए था, एक सिंगल चार्ज के लिए था, इसीलिए हमने यहाँ चार्जेस का डिवाइड किया सभी में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को, चलो ठीक है। तो इसी बात पर आज के लिए यहीं पर क्लास अपने फिनिश करते हैं, बाकी के अपडेट्स के लिए आप कंटिन्यूसली हमारे साथ में बने रहिए और पेज पर जाकर आप एक बार चैनल पे सर्च कीजिए, बाकी के कुछ वीडियोस और मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उसके बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा और नीचे जो कमेंट सेक्शन है कमेंट सेक्शन में जाके एक बार बता दीजिएगा कि आपको कौन सी क्वेरीज हैं। अभी रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा 10th क्लास का और बाकी जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी इसमें देख सकते हैं और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे साथ ही साथ में। तो जैसा भी हो जो भी हो आप एक बार मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे।